हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हमारे पास बनने के लिए आई हुई है ये मशीन, जिस पर लिखा हुआ है स्टेंजर PVT 501, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका अंदर का जो पार्ट्स है वो दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम इसको रखने वाले हैं कि ट्रांजिस्टरों में है, लेकिन हम इसको मॉस्फेट में रखेंगे, ठीक है ना। और ये जो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, हम इनको निकालेंगे और इनकी जगह हम दूसरे कैपेसिटर लगाएंगे। ये मेन ट्रांसफार्मर भी हम गोल वाला लगाने वाले हैं, और फिलहाल तो ये इस हालत में है, ठीक है ना। तो आगे हम आपको दिखाएंगे। तो ये इसमें टर्मिनल लगे हुए हैं, और ये इसका फैन है, ये मेन लीड है। तो चलिए इसको अब काटते हैं, और काट करके हम दोबारा तैयार करेंगे तो जब आपको दिखाएंगे। और वीडियो पसंद आए हमारी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो है हम जो है वीडियो इसमें ब्लूटूथ भी लगाने वाले हैं, ठीक है ना। धन्यवाद। तो हमारे जिनकी मशीन है वो ये भैया हैं, और ये है, अब ये जो है तैयार करवाएंगे। तो हमने इसका जो है माल जो था वो निकाल दिया है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें फिटिंग डालेंगे। ये हिटसिंग है हमारी, इनको हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं, ठीक है ना। इसको हम यहाँ लगाने वाले हैं। अभी तो ये सब ड्राइवर बोर्ड वगैरह सब हटा देंगे, इसको हमें जो है हाई सप्लाई में तैयार करना है। फिलहाल तो ये इस हालत में है, तो चलिए करते हैं इसको तैयार। तो जो हमने एम्पलीफायर की खाली कैबिनेट आपको दिखाई थी, तो हमने इसमें थोड़ा माल जोड़ दिया है, ठीक है ना। ये हमने फिक्स कर दिया है। मेन ट्रांसफार्मर अभी ऐसे ही लगाया हुआ है हमने, ठीक है ना। अभी ब्रिज जो रेक्टिफायर होते हैं वो नहीं लगाए हैं, और कैपेसिटर लगा दिए हैं। ड्राइवर बोर्ड अभी खाली लगाया है, अभी फिक्स नहीं किया है, ठीक है ना। प्रोटेक्शन बोर्ड भी फिक्स नहीं किया है अभी। तो चलिए आगे इसको दिखाते हैं। फिलहाल तो इस हालत में है। तो जो हमने आपको एम्प दिखाया था स्टेंजर PVT 501, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो ये जो मेन वॉल्यूम है, हमने ये नोब लगाया है इसमें, और बेस ये है, मिड ये है, ट्रबल ये है, ठीक है। और आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे इसमें, यहाँ पर LED हमने यूज़ किया है। तो ये LED अगर जल जाएगा ग्रीन, ये स्विच आप नीचे करोगे तो LED बंद हो जाएगा, ऊपर करोगे तो जल जाएगा, ठीक है। तो ये इस बात का सिग्नल है, अगर आप ऊपर करते हो तो ब्लूटूथ चालू हो जाएगा और ये सिग्नल जल जाएगा। तो इसमें ये लगेगा कि ब्लूटूथ चालू हो गया, ठीक है। और यदि आपको ब्लूटूथ नहीं चालू करना है, किसी DJ या साउंड पर लगाना है, तो आप इसको नीचे कर देना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने ऊपर करा, ब्लूटूथ चालू हो गया, और ये नीचे किया, ब्लूटूथ बंद हो गया, ठीक है ना। और इसमें सप्लाई आ गई पीछे, ठीक है, इन्होंने सप्लाई आ गई, और ये रहा, आप देख सकते हो। और अगर आप इसको करते हो तो ये ब्लूटूथ चालू हो गया, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको दिखा दिया है, ये प्रोटेक्शन वगैरह की हैं, ठीक है ना। ये आप देखोगे पहले लाल रेड जलेगा, फिर नीला हो जाएगा। और हमने जो है इसमें के मेन ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है 2500 वाट का, और इसमें जो है हमने इधर दो ब्रिज डायोड लगाए हुए हैं, रेक्टिफायर भी बोलते हैं इनको। वैसे तो कंपनी वाले एक ही यूज़ करते हैं, लेकिन हमने डबल लगाया है, ठीक है ना। और ये आप छोटी प्लेट देख रहे होंगे, ये प्लेट हमने ब्लूटूथ के लिए लगाया हुआ है, और हमने ये पुराने PCB पर ही हमने ये LED पर जमा दिया, ठीक है ना। और ये हमने नया अपना जो बेस्ट ट्रबल बोर्ड लगाया हुआ है, इसका पुराना बोर्ड शायद इधर ही पड़ा होगा, किधर ही, पुराना बोर्ड शायद किधर ही चला गया इसका, ठीक है ना। और ये हमने इधर लेवल लगाया हुआ है, और ये हमने चार कैपेसिटर यूज़ किए हैं सैनवा के, 10,063 वोल्ट के, और 2000 वाट का 2 के 2 का हमने ड्राइवर बोर्ड लगाया हुआ है, जो ये एम्पलीफायर को ड्राइव कर रहा है, ठीक है ना।
प्रोटेक्शन हमने इधर सेट किया हुआ है इसका, और हमने इसमें जो मॉसफेट यूज़ किए हैं, एक तरफ 5200 यूज़ किए हैं, एक तरफ 1943 यूज़ किए हैं, ठीक है ना। और हमने जो इसमें यूज़ किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दूनी 20 20 मॉसफेट यूज़ किए हैं, ठीक है। और ये ऑन ऑफ स्विच भी हमने न्यू डाला है इसमें। तो चलिए इसको पैक करने के बाद आपको चेक कराएंगे। वैसे हम चेक कर चुके हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और वीडियो पसंद आए तो हमारी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको पैक और जब आपको इसकी साउंड सुनाते हैं। धन्यवाद। तो चलिए इसका कैप लगाते हैं। और इसमें जो पहले था ये सिस्टम था, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर वाला, पहले के ट्रांजिस्टर वाला था, तो हमने इसको निकाल कर साइड कर दिया और ये हमने मॉसफेट वाला यूज़ किया है, ठीक है ना। और अगर वैसे तो कि ख़राब होगा ही नहीं, लेकिन अगर ये ख़राब होता है तो आसानी से रिपेयर हो जाएगा। और इसमें शायद बेस ट्रबल ये था, इसका जो बेस ट्रबल होता है ये पुश वाला बटन है। तो हमने इसको निकाल करके ये लगा दिया है। चलिए आपको इसको चेक कराते हैं। तो फाइनली हमने ये जो मशीन थी हमने कंप्लीट कर लिया है इसको, ठीक है ना। तो जो स्टेंजर पीवीटी 501 था वो हमने 1500 वाट में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। तो हमने फ़िलहाल ये कोमल 2 ओम पर तार लगाई हुई है इनकी वायर, ठीक है ना। चलो 4 पर लगा देते हैं। और ये वायर लगा दी है, और हमने ये इसका मोबाइल का ब्लूटूथ इसी एम्पलीफायर से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। हमने अलग से लगाया नहीं है। जिनका ये एम्पलीफायर है वो ये कह रहे थे इसमें ही अंदर ब्लूटूथ लगा देना, तो हमने उसी में लगा दिया है। तो चलिए आपको हम रेडी करके दिखाते हैं इसको। तो अभी हमने ये ऑन ऑफ इसका जो है इसको खोलते हैं। अब ब्लूटूथ अपना आप कनेक्ट हो गया है, ठीक है ना। अब ये चालू है। बंद हो गया और उसके बाद ये अब कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। ठीक है ना, अब ये रेडी है। मैं ज़्यादा गाना इसलिए नहीं सुनाता कि क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है लिखा हुआ, तो फिर हमारी वीडियो बेकार हो जाती है। तो अगर आप इस स्विच को ऊपर करते हो तो इसमें ग्रीन लाइट जो है ऑन हो जाएगा, तो आप समझ लेना कि ब्लूटूथ मांग रहा है। किसी भी मोबाइल से आप कनेक्ट कर लेना, और आप चाहते हो साउंड पर या डीजे पर लगा के चला रहे हो किसी मिक्सर पर, आप इसको नीचे कर देना और इसमें सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये टेस्टिंग है। अब जिनका के एम्पलीफायर है वो कल आ जाएंगे और ले जाएंगे। और अब हम करते हैं दूसरा तैयार, ठीक है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।